हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जैसे कि आप लोग देख रहे हो, आज हम लोग करने वाले अनबॉक्सिंग एक स्मार्ट वॉच का, जो कि है सैमसंग गैलेक्सी वॉच, और ये है 4.6 सेंटीमीटर वाला, जिसके अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है और साथ ही में ये एक स्मार्ट वॉच है तो काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। वो जानने के लिए इस वीडियो में बने रहे और इस वीडियो को पूरा देखें एंड तक। हे दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरी YouTube चैनल टेक टीआरवी में। दोस्तों, मेरा नाम है विकास और जैसे कि आप लोगों को पता है, आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले सैमसंग गैलेक्सी स्मार्ट वॉच का। सो बॉक्स को आप देख रहे हो, काफ़ी क्लियरली यहाँ पे सैमसंग का ब्रांडिंग दिया हुआ है, यहाँ पे सब स्मार्ट वॉच है और स्मार्ट वॉच का कैसे दिखता है उसका एक लुक दिया हुआ, एक झलक दिया हुआ छोटा सा, और नीचे की तरफ लिखा है 4.6 सेंटीमीटर का ब्लूटूथ है। सो बॉक्स के लेफ्ट साइड में कुछ भी प्रिंटिंग नहीं है, लेकिन बॉक्स के राइट साइड में इसकी काफ़ी सारे स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताया हुआ है, जैसे कि इसकी लॉन्ग बैटरी लाइफ है, यहाँ पे आपको यहाँ पे इसका जो फिटनेस है, इसका जो ट्रैकिंग स्टेटस आपको इसमें इस वॉच में मिल जाएगा, साथ ही में यहाँ पे आपके 39 वर्कआउट एक्टिविटीज़ को ये सपोर्ट करता है, तो और ये वाटर में रेजिस्टेंस है 5 ATM, मतलब 50 मीटर तक आप इसे वाटर में लेके जा सकते हो, स्विम कर सकते हो। बैक साइड में आपको यहाँ पे काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे इसी के बारे में, और यही सारी चीज़ें मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि इसके अंदर आपको ब्लूटूथ, वाईफाई और साथ में GPS भी सपोर्ट करता है, और यहाँ पे इसमें आपको 1.5 GB RAM मिलेगा। ये एंड्रॉयड 5 को सपोर्टेबल करता है, और साथ ही में अगर बाकी चीज़ों की बात करें तो इसका जो डायामीटर है वो 4.6 सेंटीमीटर का केस आता है, और ये जो इसका स्टैंडर्ड स्ट्रैप है वो 2.2 सेंटीमीटर का है। सो गाइस, देरी ना करते हो, आप क्या करते हैं, फटाफट करते हैं बॉक्स को ओपन, कि ताकि आप लोगों को फटाफट में और भी इन्फॉर्मेशन दूँ और आप लोग देख पाए सैमसंग गैलेक्सी वॉच कैसा दिखने में है। सो गाइस, बॉक्स को करते हैं ओपन। बॉक्स ओपन होते हुए जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे हमारा रखा हुआ स्मार्ट वॉच और नीचे की तरफ आपको गैलेक्सी वॉच की ब्रांडिंग मिल जाएगी। चलिए निकालते इस वॉच को और ओपन अप करते इसके स्ट्रैप को। सो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये स्ट्रैप काफ़ी ज़बरदस्त है, पूरा रबर क्वालिटी यार, और यहाँ पे आप वॉच की डायलर देख रहे हो तो काफ़ी क्लियर और कितनी शाइनी दिख रही है। एनीवेज, इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या कंटेंट हमें मिलता है इसी के साथ। तो यहाँ पे एक राइट साइड के बॉक्स में यहाँ पे देखिए तो और एक एडिशनल स्ट्रैप दिया है, जो कि शायद थोड़ा छोटा है इस पुराने स्ट्रैप से, और यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, ये है इसका चार्जिंग डॉक और इसे सपोर्ट करता है USB Type-B। सो गाइज, इस तरीके से आपको रख के इसे चार्ज करना पड़ता है, और यहाँ पे डॉक के नीचे साइड आपको एक LED लाइट मिल जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ये चार्ज हो रहा है या चार्ज हो चुका है। ओके, एनीवेज, इसको भी रखते साइड में, देखते बॉक्स के अंदर और क्या मिलता है। सो यहाँ पे आपको यूजर मैनुअल गाइडलाइन मिल जाता है राइट साइड के बॉक्स में। अब लेफ्ट साइड के बॉक्स में देखें तो क्या मिल रहा है, बॉक्स तो वैसे खाली है, बस एक पाउच है जिसके अंदर आपको मिलता है चार्जर, जो कि है माइक्रो USB। एनीवेज, बॉक्स के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, तो अभी सब रखते हैं साइड में। सो अब हम बात करेंगे फाइनली हमारे प्रोडक्ट के बारे में, जो कि है सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4.6 सेंटीमीटर वाला। और अगर आप लोग इसकी डायलर को देखें, इसके स्ट्रैप्स को देखो, तो यार काफ़ी ज़बरदस्त लुक है, ब्लैक और सिल्वर कलर का, और बाद में ब्लैक कलर का स्ट्रैप, और ये डायलर काफ़ी रोटेट होते रहता है, क्योंकि ये आपको एक रोटेशन है बैक और फ्रंट साइड में, जो आपको सिलेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। वॉच के लेफ्ट साइड में देखें तो यहाँ पे आपको सिल्वर प्लेटिंग मिल जाएगी, जो कि मेटल का है, और यहाँ पे आपको साथ में स्पीकर मिल जाएगा। डायलर को देखें तो वो एक पूरा मेटल है और वो काफ़ी अच्छे से रोटेट होता है, और इसका जो स्ट्रैप है यार वो एक प्रीमियम रबर जैसा बनाया हुआ है, और प्रीमियम रबर काफ़ी ज़बरदस्त है, आपको ऐसा स्वेट वेट होने की कोई चांसेस ही नहीं रहेगा, या फिर ये स्लिप हो जाएगा उस तरीके से नहीं है, तो काफ़ी अच्छा स्ट्रैप है। और इसके जो ऊपर हुक्स दिए हुए वो काफ़ी अच्छा है, प्रीमियम लग रहा है। और राइट साइड में वॉच के देखें तो यहाँ पे भी आपको दो बटन मिल जाएंगे, और बैक में देखें तो यहाँ पे आपको ऊपर और नीचे स्ट्रैप निकालने का ऑप्शन मिल जाएगा, उसे पुश करते ही आपका स्ट्रैप बाहर आ जाता है, और साथ में बैक में आपको सैमसंग गैलेक्सी वॉच का ब्रांडिंग मिल जाएगा, सेंटर में आपको मिलेगा हार्ट रेट चेकिंग के लिए ऑप्शन। सो गाइस, चलिए फटाफट क्या करते हैं, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वॉच को, और जैसे ही स्टार्ट होता है मुझे एक हैप्टिक फीडबैक मिलता है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि सैमसंग गैलेक्सी वॉच, और ये वॉच होता है स्टार्ट। जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो रहा है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे रिबूट होने के लिए, फाइनली इंतज़ार खत्म होता है, सैमसंग वॉच वेलकम्स अस, और यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा कि आपको डाउनलोड करना है गैलेक्सी वेरिएबल वॉच ऑन योर फोन। सो चलिए जाते हैं हमारे स्मार्टफोन में, जो कि पहले से ही मैंने सैमसंग गैलेक्सी का जो ऐप है वो मैंने डाउनलोड कर लिया हूँ, बस मुझे यहाँ पे ब्लूटूथ ऑन करना है और इसे पेयर करना है। इसका जो पेयरिंग प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट है और काफ़ी इजी है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे बस मुझे सैमसंग वॉच सिलेक्ट करना है, और बड्स ऑलरेडी मेरा पेयर्ड है, क्योंकि मैंने
उसका अनबॉक्सिंग वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो उसे देख लो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। सो गाइज, यहाँ पे मेरा जो स्मार्टफोन है वो स्मार्ट वॉच को सर्च कर रहा है, गैलेक्सी वॉच को सर्च कर रहा है, और सर्च होते ही यहाँ पे आपके सामने नाम लिस्टेड हो चुका है, तो बस मुझे उसको क्लिक करके पैर करना है। और साथ ही में यहाँ पे आपको बहुत सारा एसेसरीज प्लगइन्स लगेगा, तो वो भी आप लोग डाउनलोड कर लेना। सो उसी से फटाफट आपका जो स्मार्ट वॉच है वो पैर हो जाएगा आपके स्मार्टफोन से। तो गाइस, पैरिंग फिनिश हो चुका है और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है इसके बारे में कि इसे यूज़ कैसे किया जाए कैसे नहीं, वो सारे डिटेल्स यहाँ पे हमें मिल जाता है। अगर मैं आपको इस ऐप के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, जैसे कि वॉच में कितनी बैटरी लाइफ है, कितना उसका रैम यूज़ हो रहा है, कितना स्टोरेज यूज़ हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पे नोटिफिकेशन मैनेजमेंट मिलता है कि आपको नोटिफिकेशन कब मिलना चाहिए कब नहीं मिलना चाहिए, कौन से ऐप्स के रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। यहाँ पे आपको वेजेट्स भी मिल जाएगा कि आपको यहाँ पे आपके स्मार्ट वॉच में कौन सा फीचर्स या फिर यूज़ करना है, लाइक कौन सा ऐप यूज़ करना है, तो उसके भी सारे फीचर्स मिल जाएंगे। साथ में यहाँ पे आप रिंगटोन ये सब भी एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि जब भी आपका फोन रिंग करेगा तब आपका स्मार्ट वॉच भी रिंग करेगा, उसे कब म्यूट होना चाहिए, वो सारे फीचर साउंड को लेके हो या फिर वाइब्रेशन को लेकर हो, उसकी सारी सेटिंग्स मिल जाएगी आपको। साथ ही में यहाँ पे आपको डिस्प्ले की सेटिंग्स ऑप्शन मिल जाती है, जिससे कि आप इसके जो डिस्प्ले है वो सैमसंग वॉच का उसे एडजस्ट करना, उसे ऑटो लो ब्राइटनेस या फिर टाइम आउट क्या है, वो सारी चीज़ों को आप कर सकते हो इसी ऐप के थ्रू। और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, एडवांस एंड SOS, और यहाँ पे मतलब टोटली आपको सारे इन्फॉर्मेशन सारे सेटिंग्स जो भी करनी है वो आप इस स्मार्टफोन के थ्रू कर सकते हो आपके स्मार्ट वॉच के लिए। और यहाँ पे आपको और एक ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे आपको इसके अंदर आपका वॉच कहीं घूम जाएगा तो आप उसका लोकेशन ट्रैक कर सकते हो, और वो जैसे ही आपको मिलेगा, जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, वहाँ पे लाइटिंग्स और रिंगिंग चालू हो गई है, मतलब कि मेरा फ़ोन मेरे वॉच को सर्च कर लिया है, और यहाँ पे आपको बस टैप करके इसे क्लोज कर देना है। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट फीचर की बात करें, यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि आपके वॉच के फेसेस, सो करंटली फेसेस जो है वो इस तरीके से है, और यहाँ पे जैसे जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ वैसे वैसे मेरे वॉच में चेंजेस होते जाएंगे, मतलब कि यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाएंगे जैसे कि आप लोग देख रहे हो, और यहाँ पे आप जो भी वॉच का जो फेसेस है वो आपको उसे एडजस्ट कर सकते हो। गाइस, चलो अभी हम लोग वॉच पे जाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें थी सॉफ्टवेयर के ऊपर, आप जब यूज़ करोगे तो आपको काफ़ी इजीली पता चल जाएगा। सो यहाँ पे ये जो डायलर है इसे अगर हम रोटेट करते हैं राइट के तरफ, तो सारी इन्फॉर्मेशन जैसे हमने फ़ोन में सेटअप किया है वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, चाहे वो म्यूज़िक को लेके हो या फिर किसी ब्रीफिंग को लेके रहो या फिर कोई भी वेजेट्स हो, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं लेफ्ट साइड में, तो सारे नोटिफिकेशंस आते हैं, फिलहाल कोई भी नोटिफिकेशंस नहीं है, सो हमें अभी कोई भी नोटिफिकेशंस नहीं आएगा। ऊपर से नीचे स्वाइप करोगे तो यहाँ पे आपको और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं वॉच के अंदर, जैसे कि यहाँ पे एरोप्लेन मोड, कॉल मोड, रिंगटोन मोड, इसकी ब्राइटनेस को एडजस्ट करना, इसके जो भी फेस वॉच रखना है उसे, वो सारी चीज़ों को एडजस्ट करना, तो यहाँ पे ऊपर सारे सेटिंग्स मिल जाते हैं। ये स्मार्ट वॉच एक तरीके से एक स्मार्टफोन जैसा है, और अगर इसके सेटिंग्स में जाओ तो इसके अंदर सारे सेटिंग्स मिलते हैं जो हमें फ़ोन के अंदर मिलता है, कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी, अकाउंट, एक्सेसिबिलिटी, जनरल, बैटरी, या फिर इसके फेस वॉच को चेंज करना हो, या फिर इसके अकाउंट्स की सिक्योरिटी बोलो, कनेक्शन बोलो, एडवांस, ब्राइटनेस, डिस्प्ले, म्यूजिक, साउंड, या फिर जो भी इसे हमें सेटिंग करना हो, सारी चीज़ें इस वॉच के अंदर ही मिल जाती है। इसी वॉच के हेल्प से आप इसका जो रिंगटोन है, आप इसका जो नोटिफिकेशन साउंड है या फिर मीडिया साउंड है, उसे चेंज कर सकते हो कुछ इस तरीके से, और डायलर से आप हेल्प ले सकते हो, क्योंकि डायलर को जैसे आप लेफ्ट में घुमाओगे या राइट में घुमाओगे उस तरीके से आपके स्क्रीन के ऊपर काम करेगा। और यहाँ पे एक छोटा सा स्पीकर है जिसके अंदर से इसका रिंगटोन या फिर मीडिया या फिर सबका साउंड आएगा, तो जैसे कि देख रहे हो मैं लेफ्ट के साइड में जब डायलर घुमा रहा हूँ तो वो उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, और अगर मैं राइट साइड में घुमाऊंगा तो उसकी वॉल्यूम कम हो रही है, तो एक हिसाब से ये डायलर काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है और काफ़ी अच्छा कन्वीनियंट बनाया हुआ है। उसी तरह वॉच के जो राइट साइड में दो बटन्स दिए हुए थे, ऊपर वाले बटन्स है वो बैक के लिए काम आते हैं, और जो नीचे वाले बटन है वो मेन्यू में जाने के लिए काम आते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे ये मेन्यू है, और मेन्यू में काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलता है, जैसे कि कॉल, कॉन्टैक्ट, सैमसंग हेल्थ, उसके बाद यहाँ पे और भी सारे ऐप्स मिल जाते हैं एक एक करके, जैसे कि आप लोग देख रहे हो गैलेक्सी ऐप, सेटिंग, PPT कंट्रोलर, सैमसंग फ्लो, सैमसंग फोन, फाइंड माई फोन, नेक्स्ट पेज पे आप जाओगे तो रिमाइंडर्स, म्यूजिक्स, गैलरी, अलार्म, वर्ल्ड क्लॉक, कैलेंडर, पिक्सी, उसके बाद एंटीबायोमीटर और न्यूज़ ब्रीफिंग। सो यहाँ पे इतने सारे ऐप्स हमें मिल जाते हैं इसमें यूज़ करने के लिए, यार ये काफ़ी ज़्यादा है। और इस डिवाइस से आपको अपने फ़ोन को भी सर्च कर सकते हो, और उसी तरह इस वॉच से आप किसी भी अपने फ्रेंड को फ़ोन पे बात कर सकते हो डायरेक्टली,
क्योंकि इसके अंदर आपको इनबिल्ट माइक भी मिलता है और इसी के अंदर आपको स्पीकर भी मिलता है, जिससे कि आप यहाँ पे कन्वेंटली फोन लगा दो वॉच को देखते ही और वो जो डेटा ट्रांसफर होता है, वो जो कॉल जाता है आपके स्मार्टफोन के थ्रू जाता है, क्योंकि वो ब्लूटूथ से कनेक्टेड होता है। इस स्मार्ट वॉच में आपको GPS का भी ऑप्शन मिल जाता है जो कि इनबिल्ट है। और उसके बाद यहाँ पे स्मार्ट के हेल्थ की बात करें तो यार यहाँ पे काफी सारे जो ट्रैक्स करते हैं हमारे एक्सरसाइजेस को, वो सारे डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगे, कितने स्टेप्स लिया है, कितना फ्लोर्स चढ़ा है, या फिर मैं जॉगिंग कर रहा हूँ या एक्सरसाइज कर रहा हूँ या स्विमिंग कर रहा हूँ, ये सारे अपडेट्स आपको प्रॉपरली काउंट करके बताएगा ये आपका स्मार्ट वॉच। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये स्मार्ट वॉच काफ़ी ज़बरदस्त है और यहाँ पे आप काफ़ी सारे सेटिंग्स है जो आप कर सकते हो और इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो और ये बहुत ही अच्छा है। इसका स्क्रीन या ऑन या ऑफ करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप लोग इससे देखो तभी जाके ये ऑन होगा और अगर आप लोग इसे नहीं देखो तो इसका स्क्रीन ऑफ रहेगा। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, जैसे मैं हैंड घुमाता हूँ देख रहा हूँ वॉच की तरफ, तो वहाँ पे वॉच की लाइट आ जा रही है, तो ये एक अच्छा फीचर है। और यहाँ पे जो इसका फेस है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। इसकी जो MRP है वो है 24,999 रुपये का। सो यार मुझे वॉच तो बहुत ही पसंद आया, इसके फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, इसी बात पे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, बिना लाइक के तो जाना मत, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट करके बता देना कि डिसलाइक क्यों किया है। नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड जय हिंद।